शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर के मेयो अस्पताल से कोरोना के 87 संक्रमित थे, जिनकी जांच की गई। जांच में 53 कोरोना निगेटिव आने की रिपोर्ट मेयो अस्पताल को मिलते ही उन्हें कोरोना मुक्त करार देते हुए तेजस्विनी बस से उनके घर छोड़ दिया गया। इस बारे में पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे की ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने अब तक विश्व में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दी है। यदि हम नागपुर शहर की बात करें तो नागपुर में खबर लिखे जाने तक 332 कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है। 4 की इसमें मौत भी हो चुकी है। नागपुर के सतरंजीपुरा मोमिनपुरा से क्वारंटाइन किए गए 87 लोगों में से आज 53 लोग कोरोना जांच में निगेटिव पाए गए हैं। ये सबसे अच्छी बात है, जिसमें मोमिनपुरा के 18 पुरुष 20 महिला है तथा सतरंजीपुरा से 2 पुरुष और 11 महिलाएं हैं। तो वहीं बड़ा ताजबाग की एक महिला और जरीपटका का एक पुरुष, ये सब मिलाकर 53 निगेटिव कोरोना मुक्तों में समावेश है। मेयो अस्पताल परिसर में तेजस्विनी 4 गुलाबी बसों की व्यवस्था की गई थी। जैसे जैसे वार्ड नंबर 24 से कोरोना मुक्त पेशेंट बाहर आ रहे थे, वैसे वैसे उनके लगेज के ऊपर कर्मी द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा था। तो वहीं सर्टिफिकेट देते हुए कोरोना निगेटिव आने वालों पर स्टैंप लगाया जा रहा था। 53 कोरोना निगेटिव कुल 21 पुरुष और 32 महिला के साथ कुछ छोटे बच्चों का भी समावेश है। भाई डॉक्टर सागर पांडे, इस मेयो अस्पताल में कोविड RT-PCR यानी रियल टाइम पॉलीमरेज। अब तक 11 मार्च को नागपुर में फर्स्ट केस मिली थी। फर्स्ट केस से लेकर अब तक के कल तक के कुल 57 मरीजों को डिस्चार्ज दिया जा चुका था। आज हम लोग कुल 53 लोगों को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो यह आंकड़ा जो है वो 108 डिस्चार्ज टोटल हो जा रहे हैं अब तक IGGMC मेयो अस्पताल से। 110 का आंकड़ा, पहले 57 और अब कुल 53, ऐसे 110 पेशेंट जो है कुल वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब तक नागपुर का कुल आंकड़ा 332 हो चुका है, 332। आज मॉर्निंग में IGGMC मेयो लैब में कुल 12 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं और GMC के लैब में एक पेशेंट पॉजिटिव आया है। कल तक के आंकड़ा 319 था, आज के 13 लोगों को उसमें कुल मिलाकर के आंकड़ा 332 हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो न्यू गाइडलाइन आई हुई है, जिसे स्टेट में भी इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली अगर पेशेंट इन्हें 7वें, 8वें और 9वें दिन कोई भी सिम्टम अगर नहीं होते, बुखार, सर्दी, खांसी, उनका चेस्ट एक्सरे अगर क्लियर होता है, अगर वो अपना सैचुरेशन मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे टोटली असिम्टोमेटिक केसेस अगर हमारे यहाँ पर एडमिटेड है, तो न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हमें उन्हें 10वें दिन के उपरांत डिस्चार्ज करना है। आज जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका 14वें दिन का सैंपल ऑलरेडी हम लोग भेज चुके थे, जो निगेटिव आया है, पर उनकी संख्या कम है। परंतु जो 10वें दिन जो भी पेशेंट 7वें, 8वें, 9वें दिन असिम्टोमेटिक है, तो ऐसे काफ़ी मात्रा में लोगों को आज हम यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। पुरानी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली जब 14 दिन पूरे होने के उपरांत मरीज का एक सैंपल लिया जाता था और वो निगेटिव आने के बाद में 24 घंटे के उपरांत फिर से एक सैंपल लिया जाता था, 14th और 15th डे के सैंपल निगेटिव आने के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता था। परंतु अब जो बढ़ती संख्या है मरीजों की, और एक चीज़ उसमें ये पाई गई है कि मैक्सिमम केसेस उसमें से असिम्टोमेटिक है, जो 7वें, 8वें, 9वें दिन के बाद में उनका इन्फेक्शन दूसरों को फैलाने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है, तो ऐसे मरीजों को 10वें दिन जो है वो डिस्चार्ज करना है एज़ पर गाइडलाइंस। इस मेयो अस्पताल में कोविड RT-PCR यानी रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के माध्यम से कोरोना संदिग्धों की जांच की जाती है। इस जांच में 5 से 6 घंटे लगते हैं। प्रतिदिन 250 टेस्ट होती है। फरवरी से लेकर अब तक 6200 टेस्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र से आए नमूनों की जाँच भी की जाती है। इस बारे में मेयो के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर खड़से इन्होंने इन विषय समक्ष जानकारी दी। मेयो में जो VRDL लेबोरेटरी है वहाँ पे कोविड की जांच हम RT-PCR टेस्ट से कर रहे हैं। अभी तक 6200 नमूनों की जांच यहाँ पे कर चुके हैं हम लोग, और लेबोरेटरी में सब कंज्यूमर्स रिएजेंट सफिशेंट क्वान्टिटी में है और 3 शिफ्ट में यहाँ की लेबोरेटरी चल रही है। पर डे 250 तक टेस्ट किए जाते हैं। नहीं, और उस टाइम तो हम शांति रहते हैं क्योंकि हमको स्टेबल रहना है, और रिजल्ट जब आता है तुरंत हम रिजल्ट रिस्पेक्टिव लोगों को ईमेल से भेज देते हैं। हाँ, निगेटिव काफ़ी लोग आ रहे हैं, पॉजिटिविटी वैसे कम है, तो आशा करते हैं आगे में ऐसा ही चालू रहे, तो हॉटस्पॉट ज़्यादा बनने की बन नहीं पाएगी।
मेयो अस्पताल के 9 वार्ड में कोविड पेशेंट रखे जा रहे हैं। इसके लिए टोटल 65 नर्सिंग स्टाफ दिन रात काम कर रहे हैं। 3 शिफ्टों में काम करते समय पीपीई किट पहनी जाती है। कोरोना मरीजों की सेवा करते समय सभी तनावों को दूर रखते हुए कोरोना पेशेंट की नर्सिंग केयर दी जाती है। मेयो अस्पताल कैंपस में ही नर्सिंग कर्मचारियों के लिए रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। सभी नर्सिंग स्टाफ को ड्यूटी रोटेशन के बाद उनका काउंसलिंग किया जाता है ताकि नर्सिंग स्टाफ का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। मैं अस्पताल के नर्सिंग की ओर से खास तौर पर नर्सिंग कर्मचारियों का ध्यान रखा जाता है। नर्सिंग का स्टाफ अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है। नर्सिंग स्टाफ टोटल 9 वार्ड में काम कर रही है। काम करते समय उनको पीपीई किट पहनना पड़ता है, 95 मास्क भी बांधकर काम करना पड़ता है। रोटेशन से ड्यूटी लगती है, तीनों शिफ्ट में काम चल रहा है और रोटेशन से नियर अबाउट 60-65 नर्सिंग स्टाफ काम करते हैं एक रोटेशन में। उनकी रहने की व्यवस्था कैंपस में ही हॉस्टल में की गई है एंड खाने की व्यवस्था भी उनकी की गई है। सभी ध्यान में रखते हुए, मतलब पेशेंट की मेंटल हेल्थ ध्यान में रखते हुए हम सेवा दे रहे हैं। पेशेंट्स पहले आता है तो बहुत डरा हुआ रहता है, उनका डर हमारी ऑन ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ निकाल देती है। उनका मेंटल हेल्थ स्टेबल रखते हुए उनके खाने पीने की एंड जो भी उनके मन में शंका रहती है ये डिसीज को लेके, वो सभी प्रकार की शंका वो दूर करते हैं ऑन ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ हर वार्ड में। तो इस प्रकार पेशेंट थोड़ा सा मेंटली स्टेबल हो जाता है और हमको सपोर्ट करता है, कोऑपरेट करता है और उनके 14 डेज वो अच्छी तरह से हमारे साथ रहकर निकालते हैं। हमारा काम सुबह से स्टार्ट होता है। हर वार्ड में एक अटेंडेंट एक स्वीपर दिया जाता है। उसके अतिरिक्त तो जो फवारनी चालू है हमारी, तो 24 घंटे में हम लोग कम से कम 4 बार फवारनी भी करते हैं। नया कोई पेशेंट आता है, अगर वो पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है, उस टाइम में अपन पूरी तरह से फवारनी की जाती है। जब कोई डिस्चार्ज होता है तब भी उनका सामान, बसेस या कोई ऑटो, जिस जो चीज से वो जाएगा उससे पूरी फवारनी की जाती है। टोटल 6 वार्ड में मिला के हमने टोटल 47 लोग लगाए हुए और ये तीनों शिफ्ट में। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तरफ से सेवा हो और हर कोई जो पेशेंट आएगा अच्छी तरह से यहाँ से होकर जाइए, हमारे मनोकामना है। मैं अस्पताल से शुरू में 57 और 53, कुल मिलाकर 110 निगेटिव पेशेंट मुक्त होने की खबर है। दर्शकों, इस समय में इन विशन किटिंग मेयो अस्पताल के उस प्रांगण में जहाँ पे हम आपको बता सकते हैं कि 4 तेजस्विनी की ये बसें यहाँ पे खड़ी है। शुरू के दौर में इसी मेयो अस्पताल से 57 कोरोना के निगेटिव जो आए थे उन्हें घर भेजा गया था और अब की बार 53 ऐसे निगेटिव कोरोना पेशेंट मिल चुके हैं जिनकी जांच के बाद वे सभी लोगों को घर जाने का पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किया गया। आप देख सकते कि बसेस है और इन्हीं 4 बसों में वे 53 लोग जो अभी मुक्त हो चुके कोरोना को, उनको घर भेजा जा रहा है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मेयो अस्पताल से अब तक के 110 कोरोना निगेटिव पाए गए हैं जिनकी मुक्तता हुई है। नागपुर के मेयो अस्पताल से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मीरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।